लगता है हिसार शहर में धरना प्रदर्शन और नारे निकालने का एक चलन हो गया है। जी हाँ, जिसको देखो वो केवल लघु सचिवालय के आगे आकर नारे लगाने चालू कर देता है तो कोई धरने पर बैठ जाता है अपने मुद्दों को लेकर, लेकिन फिर भी उनके मुद्दों को सुना नहीं जाता, क्योंकि वही लोगों को कुछ दिनों बाद फिर हम वापस देखते हैं कि लघु सचिवालय के आगे आए और धरने पर बैठ गए, नारे लगाने के लिए आ गए, लेकिन फिर भी आवाज़ों को नहीं सुना जाता। उनमें से ही कुछ महिलाएं CITU के मेंबर्स आज दोबारा यहां पर पहुंची और लगभग 3 साल बताया जा रहा है कि 3 साल से कोशिश जारी है कि किसी तरह हमारी आवाज़ को सुना जा सके, लेकिन आवाज़ को नहीं सुना जा रहा। आइए फिर बातचीत कर लेते हैं, आखिरकार ऐसा क्या है कि अभी तक इनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा और लगातार इनको लघु सचिवालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दिसंबर से 4 महीने धरना चला, उसमें सरकार ने कई हमारी हेल्पर वर्करों को बर्खास्त किया और हमारी जो मांग थी कोई अलग नहीं थी, सरकार की मानी हुई 2018 में सरकार ने खुद मानी थी, भाई मैं आपको कुशल और अर्धकुशल का दर्जा दूंगा। और प्रधानमंत्री जो हमारे देश के राजा है, उन्होंने कहा मैं आंगनवाड़ी वर्करों के काम से इतना खुश हूँ, मैं खुश होने के नाते मैं आपको 1500 और 750 हेल्परों को तोहफे के रूप में दे रहा हूँ और आने वाली दिवाली जगमग दिवाली मनाएंगे। सितंबर माह 2018 में ये घोषणा लागू की थी, इसी को लेकर हमने बार बार ज्ञापन दिए, उसके बाद उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं की, तो हमने मजबूरन होकर 8 दिसंबर 2021 को धरना तालाबंदी हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ा। उसके बाद हमारी 4 महीने हड़ताल लागू चली, सरकार ने कोई बात नहीं मानी, एक महंगाई मुद्दे पर थोड़ी सी बात मानी। तो हम ये कहना चाहते हैं, सरकार हमारी जो मांग है, हमारी हेल्पर बहनों को टर्मिनेट किया गया है, उनको बहाल कीजिए। और उन्होंने 25% पहले तो उन्होंने 100 रुपये कटौती पे बात की, हम 100 रुपये कटौती करके हम आपका पूरा वेतन देंगे 4 महीने का, उसके बाद उन्होंने 25% का कहा। आज उनकी मंशा क्या है, हम आपको 75% काट के देंगे। इसी बात को लेकर हमारी वर्करों में रोष है, जो हमारी वर्कर हेल्पर जो एक हेल्पर है पूरे हरियाणा में, 38 हमारी वर्कर टर्मिनेट है, उनको बहाल किया जाए और जो समझौता लागू किया था उसको लागू किया जाए। आपके 2 नोटिस जारी किए गए थे, एक 25% वाला, एक 75% वाला, लगभग इसके बीच कितना गैप दिया गया था? इसके गैप हमारा 25% वाला ज़्यादा कोई गैप नहीं दिया गया था, जल्दी ही उन्होंने वो नोटिस जारी कर दिया। क्या इसकी कोई वजह थी? इसके बारे में उनको पता है, कहते हैं नहीं हम इतना नहीं दे सकते, हम 75% ही काट के देंगे। चलिए महंगाई की बात आपने की, महंगाई के बारे में हमने बात की, जो आज महंगाई इतनी बड़ी हुई है, जो हमारी हेल्पर 1100 रुपये का सिलेंडर हो चुका है राशन बनाने में असमर्थ है, वो नहीं बना सकती, वो सूखा राशन बांटेंगी, आज से हम सरकार को चेतावनी देते हैं। क्या ये चेतावनी जो दी गई है सच में सच होने वाली है? सच होने वाली है। कैसे? सच में है, 40 रुपया किलो आलू है, कच्चा राशन बांटांगा, खानो कदी कौन बनावाई, जब तक सिलेंडर हमारे सेंटर में सारी चीजें हेल्पर लियाओ, क्या क्या लियाओगी हेल्पर? सैलरी भी नहीं डाली जाए महीने महीने की, कुछ भी नहीं आता हेल्पर को लिए। का सबसे ज्यादा ये है, इतनी महंगाई हो रही, 30 पैसे कदे जमाना में शुरू करा था, 9 रुपये एक बच्चा का राशन के बने पूरे महीने के, जबकि 15 रुपये तो पिसाई और सिलेंडर रह गया बाकी और आलू रह गए बाकी, बताओ कुकर बना गया हेल्पर के घर तो थोड़ी बना। इतने समय से ये जो वर्कर्स है आंगनवाड़ी में लगे हुए हैं, कौन है जितने भी वर्कर्स यहाँ पर आए हुए हैं? बहुत साल तक लाग रहे, 1975 तक चाली, जब तक लाग रहे, कई रिटायरमेंट हो रही, कई मर भी ली, कई मरण आई हो रही है, बहुत सिस्टम हो रहे हैं। हाँ, उसके बावजूद भी इतनी महिलाएं जो है ना काफी समय से काम कर रही है, उसके बावजूद भी कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही ना, सुविधा के नाम पर तो बकवास है सारी उरे, कि मैं कौन सुविधा, कैसे कह सकती आप इसको? न्यू कमा बार 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 जो वादे करने लाग रही, 2018 में कराया था एक, वो लागू नहीं करा, उसके बाद में 4 अप्रैल ने ये कहा था जितनी टर्मिनेट उनको बहाल कर दें, उनको बहाल नहीं किया गया, हमारी तनख्वाह कह गया 100 रुपये काटेंगे 4 महीने की, जबकि 25 का मैसेज डाले, 25 से 75% का डाल दिया, तो कड़े पूरे होने लग रहे हैं। आवाज़ तो आप लोग बार बार उठा रहे हो, फिर कहाँ पे कमी आ रही है? कमी तो बेसर में, सरकार मानना है कोनी, बहरी है, गूंगी है, सुने कोनी, जोड़े से उड़े बैठे के रहिए कौन भेज देगी, है कमी तो है। आज ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, ज्ञापन सौंपने के बाद किस तरह का आश्वासन आपको दिया गया? आश्वासन तो वे गेल सदाएं कर देंगे जी,
और करना का तो हम देखेंगे फिर क्या होगा जी। बाबू जी आज जो ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किए जा रहे हैं, क्योंकि पीछे दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में आंगनवाड़ी हेल्पर वर्क की उनकी बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी, पूरे सेंटर बंद रहे थे। सरकार ने 4 अप्रैल को समझौता किया था, समझौते में ये कहा था कि आपकी जो मांगे हैं वो लागू की जाएंगी, स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होगी, महंगाई के मुताबिक आपको जो वहाँ पर जो खर्च करना पड़ता है उसका रेट रिवाइज किया जाएगा, परंतु सरकार ने नहीं किया। उस आंदोलन के दौरान 1000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर्स को बर्खास्त कर दिया गया था और सरकार ने उनको बहाल नहीं किया। अब कुछ को बहाल किया है जो भी दुआ है या तलाकशुदा है उनको, और हम कहना चाहते हैं सरकार से कि दो पैमाने क्यों हैं, एक पैमाना रख करके जो विक्टिमाइजेशन है उसको बहाल करो और 4 अप्रैल के समझौते को लागू करो, और स्थानीय जो मांगे हैं रेट बढ़े हुए हैं, गैस सिलेंडर 1100 रुपये का हो चुका और भी खर्चा है, जहाँ तक राशन की बात है राशन बहुत महंगा हो चुका है, और राशन जो सरकार बेचती है उसकी क्वालिटी घटिया होती है, बच्चों खिलाने से हमें बहुत डर भी लगता है कभी कोई बच्चा बीमार ना हो जाए। इस बात को लेकर के ना यहाँ पर ज्ञापन पीओ मैडम थी नहीं, उनके बिहाफ पर स्टूडेंट हैं जो यहाँ ऑफिस के वो लेने के लिए आए थे। तो दो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों पर ये कहा कि हम आपसे मीटिंग कर लेंगे, और जो बहाल करने की या 4 अप्रैल समझौता लागू करने की बात है वो सरकार को हम रिकमेंड कर देंगे, ये आश्वासन देकर के हमने इसका समापन किया। अगर हम इसार की बात करें, लगभग काफी वर्कर्स महिलाएं यहाँ पर सब मौजूद थी, लेकिन कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग कितनी महिलाएं ऐसी थी जो आज यहाँ पर आई थी? हमारी लगभग 500 के लगभग महिला मतलब आज पहुंची थी, और क्योंकि ड्यूटी भी इस तरह की है कि काफी आंगनवाड़ी में छोटे छोटे बच्चे हैं, काम करना पड़ता है ये, और प्रदर्शन हमारा कामयाब था, पूरे प्रदर्शन कामयाब, मतलब मेरा कहना ये है आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर के अंदर सरकार के प्रति काफ़ी गुस्सा है, और सरकार जो वायदा खिलाफी की है उस वायदा खिलाफी को सरकार ने हमने जो रोष है जो, और सरकार से मांग यही है कि समझौता लागू करे, टर्मिनेशन को बहाल करे, और जो हमारी जो मानदेय बढ़ाने की बात आई थी और मोदी ने ये कहा था कि कुशल और कुशल की बात की थी, 750-1500 रुपये बढ़ाने की बात की थी, वो तो बहुत दूर चला गया, और ये जो बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं इस बात को लेकर के ना मतलब आज ये ज्ञापन दिया है ये, फिर भी सरकार नहीं मानती। सरकार का नज़रिया यही रहा आने वाले समय में दोबारा फिर आंदोलन होगा, और दोबारा फिर वो 4-5 महीने की हड़ताल थी, फिर लंबी हड़ताल होने के मतलब आसार बने हुए कि सरकार समझौता करके मुकरती है तो वादा खिलाफ़ के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की हमें बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी इसको लेकर के। क्या ये चेतावनी समझ सकते हैं आगे? चेतावनी हम दे दी, लिख करके दे दिया, समझौता लागू करो, आंदोलन का मुकाबला करने के लिए सरकार तैयार रहे, हम सड़कों पर आएंगे। आज जो आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर ने ये CIT के नेतृत्व में मतलब ये हमारी यूनियन है, ये CIT से एफिलेटेड, और ये जो हमारी यूनियन है आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर की, इसके साथ CIT का तमाम मजदूर हमारा इनके साथ खड़ा है, सर्व कर्मचारी संघ है, किसान सभा है, तमाम जनसंगठन इनके समर्थन में हम खड़े होकर आंदोलन में आएंगे। जहाँ तक बताया जा रहा है कि ज्यादा पैसों का झांसा देकर कम वेतन दिया जा रहा है, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं सच है? बिल्कुल, बता दी ना मोदी ने ये कहा कि आपको, खट्टर ने ये कहा कि हम आपको कुशल अर्ध कुशल की श्रेणी में लेके आएंगे, वर्कर को कुशल हेल्पर को अर्ध कुशल में लेके आएंगे, और मोदी ने ये घोषणा की थी कि 1500 रुपये बढ़ाएंगे हम वर्कर के और 750 बढ़ाएंगे हेल्पर के, ये मोदी ने घोषणा की थी, परंतु ये कहते रहे कहते रहे कहते कहते 2 साल बीत गए, अब तक उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सरकार ने कोई भी परिपत्र जारी नहीं किया। क्या लगता है सर कहाँ पर चूक हो रही है? क्या प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद भी काम नहीं हुआ, कहाँ चूक हो सकती है? ये जो BJP की सरकार है ना 8 साल हो गए देश प्रदेश में बने हुए, इनका काम यही है वायदा खिलाफी करना, समझौता करके मुकरना, माननीय मांगों को क्ली को चिट्ठी जारी ना करना इनका पेशा है, इनकी एक ही दिमाग में है, और हमारे एक बात समझ में उड़ा रही है इस बात का बारे में तमाम कमेरा वर्ग है कि इनकी जो थ्योरी है नवा वो थ्योरी हमारा समझ में आ गई, क्योंकि ये कही है इज्जत आनी जानी चीज़ है, बंदा डीठ होना चाहिए, इन पर वो फार्मूला लागू हो रहा है, ये डीठ लोग हैं, इज्जत बेइज्जती समझते नहीं, किसी भी गरीब परिवार को नहीं समझते। अपन मोदी ये कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को बचाओ का नारा दे रहा है ये,
और 15 अगस्त को अभी पीछे घोषणा की कि मैं उस मेरी घोषणा पर मैं कायम हूँ और लागू मैं कर रहा हूँ। तो आज ये बेटी कहाँ आई है, कैसे परेशान होके गई हैं, आप उसका देख लो कि कितना परिणाम है कि बंदा डीट होना चाहिए, इज्जत आने जाने चीज़ है, वो लागू पर हो रहा है सारा सारा ये। जी शुक्रिया। फिलहाल ये जो है ना लाइव तस्वीरें में लघु सचिवालय के आगे से दिखा पाए थी, जिसमें झांसा दे दिया जाता है, कहा जाता है कि वेतन ज़्यादा मिलेगा और लगभग 2 से 3 साल बताए जा रहे हैं कि लगातार कोशिश जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वेतन को बढ़ाने का बोल तो दिया जाता है लेकिन वेतन को बढ़ाया नहीं जाता, बल्कि कम पैसे दिए जाते हैं, वेतन में कमी आ जाती है। खैर आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ टच 20 न्यूज़। लाइव तस्वीरें मैं आपको लगातार देती रहूँगी।